अस्सलाम के फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन का पैनल, जिसमें मल्टी कलर शेड आ रहे हैं, लेकिन इसमें वो पैनल ऑन नहीं हो रहा है, इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये मैं ऑन करता हूँ, दोस्तों ये ऑन होता है। उसके आगे ये मल्टी शेड आते हैं, ये रेड बिलो वाइट इस तरह की, और ये पैनल हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास 19 इंच का पैनल है, और इस पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो है TR 83.03। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ उसमें कौन सा कार्ड लगा, होता है उसका नंबर भी और डिटेल के साथ बताता हूँ ये मसला क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं पैनल एक दफ़ा उतार लेता हूँ। तो मैंने पैनल उतार लिया है, कैमरा भी मैं स्टैंड से उतार लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास, ये देखिए, TRD 83.03। दोस्तों, जब आपके पास ये फॉल्ट आ रहा हो, आपका पैनल ऑन तो हो रहा हो लेकिन उसमें मल्टी शेड आ रहा हो, तो वो आपके सॉफ्टवेयर का मसला होता है, या अगर आपके पास फ्लैश सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये फ्लैश लगी होती है, इसकी फ्लैश आईसी, इसी में इसका सॉफ्टवेयर होता है, तो इसे चेंज करने से भी आपका ये मसला हल हो सकता है। तो मैं अभी यही करने वाला हूँ। मेरे पास वो फ्लैश में, यूएसबी में, फ्लैश ड्राइव में इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, वरना तो मैं उसे ऐसे ही अपडेट करता। लेकिन अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो तो आपने ऐसे सेम कार्ड की फ्लैश चेंज करनी है और आपका ये फॉल्ट ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं दोबारा कैमरा स्टैंड पर लगा देता हूँ, तो इसकी फ्लैश चेंज करके दोबारा चेक करते हैं कि ये हमारा फॉल्ट जो है वो ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी फ्लैश चेंज करता हूँ और दोबारा चेक करवाता हूँ ये हमारा फॉल्ट जो है ये ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे पास इसका सेम कार्ड है, मैं उसी की फ्लैश निकालूंगा। इसमें सिर्फ सेम कार्ड की ही फ्लैश काम करती है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, आपका कार्ड जो है स्टैंड बाई चला जाएगा, डेड हो जाएगा। तो आपने सेम टू सेम फ्लैश लगानी है, सेम इसी मॉडल की, सेम नंबर हो तो तभी वो काम करेगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि कोई भी आने वाली टीवी, एलसीडी या रिसीवर के बारे में कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सको। मैं इस चैनल पर एलईडी और रिसीवर्स के मुख्तलिफ फॉल्ट अपलोड करता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप इससे अपडेट रहेंगे। तो ये फ्लैश मैंने निकाल ली है और इधर दोस्तों मैं लगाने लगा हूँ। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरे पास दोनों सेम कार्ड हैं, तो आपने सेम की फ्लैश निकालनी है और यही इस पर काम करेगी। अगर आपने किसी और नंबर की लगाई तो आपका ये कार्ड डेड हो जाएगा। ये जो आपने फ्लैश निकालनी है, ये या तो दूसरे कार्ड में लगा दीजिए या इस पर नंबर वगैरह लिख कर इसको रख लीजिए, ये किसी और पैनल पे आपको काम दे सकती है। ये फ्लैश, ये जो मैंने फ्लैश आइस निकाला है, ये डेड नहीं है, ये ख़राब नहीं है, सिर्फ आपके ये जो पैनल है इसके साथ ये मैच नहीं है। दोस्तों, तो आपने जो फ्लैश निकालनी है उसे रख लीजिए,
वो आपकी किसी और पैनल में काम आ सकती है। तो मैं ऐसे ही एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमारा कार्ड जो है वो डेड तो नहीं हो गया है या इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, तो ये ठीक ऑन हो रहा है। तो मैं अभी इसके साथ पैनल लगा के आपको चेक करवाता हूँ। इसके लैब कार्ड जैक लगा देता हूँ। अभी इसमें सारे कनेक्शन हो चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होता है, ये जो LVDS की ये दोस्तों ये जो LVDS होता है इसकी एक साइड पे या नीचे एक डॉट लगाता है वो आपने सीधा लगाना, और ये जो रेड वायर होती है वो उस डॉट की तरफ लगानी है। अगर आपने ये उल्टा लगा दिया तो आपका ये जो स्क्रीन है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है ये जो रेड वायर जिस तरफ होती है और नीचे ये उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, ये रेड वायर इस तरफ ही लगानी है। अगर आपने ये उल्टा लगा दिया तो आपका ये जो पैनल है वो ख़राब हो सकता है, वो वाइट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा ओके हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पैनल जो है ओके हो चुका है। ये देखिए इसमें कोई डॉट्स कोई कुछ भी नहीं आ रहा, ये हमारा पैनल ओके हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी इसमें फ्लैश ड्राइव लगा के आपको कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं तो